और चलिए अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां पर इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल, सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में मचा हुआ है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रखी हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उधर गुजरात के सीएम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। गुजरात के भरूच में दादर नदी में उफान है। भादर नदी का पानी जो है वो निचले इलाकों में पूरी तरीके से भर चुका है। देखिए, दादापुर गांव में दादर नदी के तेज बहाव में बहने से एक शख्स की मौत हो गई। उस युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस युवक की डूबकर मौत हो गई। भरूच में कई इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। लोगों को इस बाढ़ में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपको सामने हैं, जहां पर भरूच में बाढ़ का कहर किस तरीके से जारी है और सैलाब में डूबकर जो है एक शख्स की मौत हो गई। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। गुजरात इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ रहा है। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इसी बीच पोरबंदर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। लोगों की मदद की जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब उनकी जान तक पर बनाई है। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात जो खराब है वो कच्छ और पोरबंदर में है, क्योंकि समुद्री तट से सटा हुआ ये इलाका, और यही वजह है कि बाढ़ और बारिश के बाद एक तरफ समंदर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ चाहे गलियां हो, सड़कें हो, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुका है। गुजरात का पोरबंदर भारी बारिश की मार झेल रहा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ आपने तस्वीरें देखी, लोगों का रेस्क्यू किया गया, तो दूसरी तरफ ये गलियों की तस्वीरें देखिए, ये सड़कों पर किस तरीके से पानी भर चुका है। अब लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने पहले कह दिया है कि आने वाले समय में मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि बारिश एक तरफ रुकने का नाम नहीं ले रखी है और दूसरी तरफ आने वाले समय में गुजरात में जो है चक्रवाती तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कच्छ में हालांकि अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ऐसे में बाकी जगहों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी भर चुका है, जिससे घरों में रखा हुआ सारा का सारा सामान खराब हो गया है। घरों में पानी भरने से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गांव में रहने वाले लोगों ने दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। कई घरों में कमर तक पानी भर चुका है। सड़क डूब जाने से गांव का अन्य इलाकों से संपर्क भी टूट चुका है। अब लोगों के पास घरों में ना तो खाने के लिए खाना बचा है, ना तो पीने के लिए साफ पानी बचा है, और अब ये गंदा पानी लोगों के घरों में भी एंट्री कर चुका है, जिसकी वजह से घरों में रखा हुआ सामान जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो पोरबंदर में भारी बारिश के कारण निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का दावा है कि 20 साल बाद रतनपार में ऐसी आपदा की स्थिति आई है। बाढ़ के पानी में खेत की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गांव के घरों में भी कमर तक पानी भर चुका है। तो गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। या भारी बारिश से पूरा का पूरा पुल टूट गया। पुल टूटने की वजह से कई गांव का संपर्क भी टूट चुका है। तो क्या खेत खलिहान, क्या लोगों के घर, अब तो पुल पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कभी देखिए यहां पर पुल हुआ करता था, लेकिन अब जब यह पुल टूट गया है तो ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। अब जिसकी वजह से उन तक मदद पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि पहले इसी सड़क के जरिए, इसी पुल के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में पहले ये पुल ठीक किया जाएगा, तभी लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पूरा इलाका पानी में डूब गया है। ड्रोन से ली हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। जहां तक आप नजर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी की तस्वीरें, जो ये बताती हैं कि आखिर पोरबंदर में लोगों के लिए अब किस तरीके की मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। लोगों के लिए खाना पीना सब कुछ जो है, जो उनके घर में रखा हुआ था अनाज, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है।
दूसरी तरफ खेतों में जो फसलें थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब कई ऐसी जगहें हैं जहां से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर लोग सुरक्षित नहीं है। पोरबंदर के बाद आपको एक और जगह की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा के लोगों पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखाई देने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात 9 मगरमच्छ निकले हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ के आ जाने से लोगों में बहुत ज्यादा डर है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में आए थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बारिश के बाद, बाढ़ के बाद अब लोगों के लिए एक नई मुसीबत आ गई है कि मगरमच्छ जो है वो शहर में दिखाई देने लगे हैं और ये रिहायशी इलाके हैं। सबसे बड़ी बात है ये जंगलों से सटे हुए इलाके नहीं, ये रिहायशी इलाके हैं, यानी कि शहरी इलाके जहां पर अब समझिए कि लोग जो है वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि एक ही रात में 9 मगरमच्छ अलग अलग जगह पर दिखाई दिए, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची, उनका रेस्क्यू किया गया, लेकिन ऐसे में खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आपको कच्छ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां जलभराव से लोग बेहद परेशान हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव मोहल्ले सब कुछ डूब चुके हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में हो रही है। उधर 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। गांव की तमाम सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। ये कच्छ की तस्वीर देख लीजिए पोरबंदर के बाद, जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और कच्छ में आने वाले समय में चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद आप समझिए अगर साइक्लोन ऐसे में टकराता है तो अभी स्थिति ये है तो आने वाले समय में स्थिति जो है वो कितनी बद से बदतर हो सकती है। देखिए यहाँ पर कभी सड़क हुआ करती थी लेकिन सड़क पूरी तरीके से पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई। तो कच्छ के ग्रामीण इलाकों में न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी सैलाब से बहुत ज्यादा परेशान। आपको तस्वीर दिखाते हैं कैसे इंसान के साथ जानवर भी परेशान है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है, लोग डूबकर जाते हुए दिखाई दिए हैं और ऐसे में बेजुबान जिनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि देखिए आम लोग जो है वो ट्रैक्टर का सहारा लेकर किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अनाज हो पाए वो कम से कम अपने परिवार अपने घर के लिए लेकर आ सके, लेकिन ऐसे में बेजुबानों के सामने बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बेजुबानों के लिए भी मदद पहुंचाई जा सके। तो गुजरात के कच्छ से आई एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है। लोग अब ट्रैक्टर से जाने को मजबूर है और इसी बीच वहां की कई सड़कें भी सैलाब की चपेट में आकर बह गई। कच्छ से आई हर तस्वीर बेहद डराने वाली है। तस्वीर देख लीजिए जहां पर एक छोटा बच्चा किस तरीके से अपने परिवार के साथ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि पहले यहां पर सड़क हुआ करती थी लेकिन अब ये सड़क जो है वो पानी का जो सैलाब था उसको सह नहीं पाई और किसी तरीके से पूरी तरीके से वहां पर बह गई। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहां पर छोटे बच्चे किस तरीके से अब इस पानी में ही डूब कर जाने को मजबूर है। तो गुजरात के कच्छ में सैलाब ने जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ है। हर जगह बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कैसे कच्छ के अंडरपास जो है वो डूब चुके हैं। लोगों को वहां से आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। आप ये देखिए कि अंडरपास का ये इलाका जो पूरी तरीके से डूब चुका है, अगर आप ज्यादा पानी के अंदर जाएंगे तो आप समझिए कि आप पूरी तरीके से डूब जाएंगे क्योंकि अंडरपास यहाँ पर देखिए इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि आखिर पानी का लेवल जो है वो कितना ज्यादा है कि अंडरपास डूब चुका है। तो कच्छ में अंडरपास डूबे हैं तो गलियों में सैलाब दिखाई दे रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। हालात बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। गलियों में करीबन 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। एक तरफ तस्वीर देख लीजिए अंडरपास की और दूसरी तरफ सैलाब किस तरीके से गलियों में दिखाई दे रहा है। कच्छ में राहत और बचाव का काम काफी तेजी से चल रहा है लेकिन ऐसे में भी लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रखी है। भारी बारिश से गुजरात के खेड़ा का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। घरों में बारिश का पानी भरने से घर में रखा हुआ सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब आप ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि उनका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से डूब चुका है, घर में रखा हुआ सामान डूब चुका है। अब ऐसे में लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और वो है छत, और अब लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो गुजरात के खेड़ा के शांतिनगर सोसाइटी का हाल भी आपको दिखाते हैं जहां पर बीते 4 दिनों से बाढ़ ने वहां पर कब्जा किया हुआ है।
ये घर के अंदर की तस्वीर देख लीजिए। घरों में पानी घुस जाने से लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान, सब कुछ डूबे हुए इसमें आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर लोगों के घरों के अंदर जो है पानी घुस चुका है। अब ऐसे में लोगों के अंदर, घर के अंदर जो भी सामान था, फर्नीचर, बेड, सोफा, सब कुछ जो है अब वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के जामनगर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर मॉडर्न मार्केट में बारिश का पानी घुस गया। मार्केट में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है और हालात को देखते हुए व्यापारियों ने मार्केट को बंद कर दिया है क्योंकि ऐसे में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है लोगों के पास। आप ये देखिए कि शटर में कहां तक पानी है। ऐसे में अगर दुकान खोली भी जाए तो सारा सामान जो है वो भीग जाएगा। खंभे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पानी जो है वो कहां तक है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है क्योंकि बारिश वहां पर लगातार हो रही है। ये सभी ने मिलके फाइनली एनडीआरएफ के जवान भी इसमें जुड़े थे, एसडीआरएफ के, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो किया वो हमारे फायर और इमरजेंसी सर्विस ने किया और करीब 295 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो उसमें हाँ, एक सॉर्टी एयरफोर्स की भी हुई क्योंकि एक आदमी खंभे के ऊपर चढ़ गया था नदी के बीच में, तो उसको बचाने में एयरफोर्स ने भी सहायता की। तो गुजरात के पोरबंदर में भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि पोरबंदर की तस्वीरें देख लीजिए। मंदिर आपको डूबे हुए नजर आएंगे, घर डूबे हुए नजर आएंगे, खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुकानें, सब कुछ डूब चुका है। ऐसे में लोगों की परिस्थितियों को समझा जा सकता है कि आखिर हालात किस हालात में जो है वो लोग वहां पर रहने को मजबूर है। ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें जो ये बताती हैं कि आखिर पोरबंदर में हालात जो है वो कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और गुजरात के बाद आपको यूपी की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के आगरा में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर देखने को मिला। आगरा में 1 घंटे की बारिश के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई दिया। दिल्ली हाईवे पर पानी भरने के बाद लोगों की गाड़ियां उसमें डूबी हुई नजर आई। यही नहीं, शहर के निचले इलाके में भी जगह जगह जलभराव देखने को मिला। लोगों के घर, दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों का, लाखों का सामान इस बाढ़ में डूबा हुआ नजर आया। और ये हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। हाईवे की तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से हाईवे पर जो है अब पानी पानी, और अब हाईवे के बाद आपको ये घर और दुकानों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद जो बाढ़ आई है उससे लोगों के पूरे घर डूब गए हैं। लोगों के घर में रखा हुआ सामान जो है वो डूब चुका है। अब ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात से लेकर यूपी तक हालात बद से बदतर है। प्रयागराज की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से अरैल घाट डूब गया है। प्रयागराज की तस्वीर आपके सामने है जहां पर अरैल घाट की तस्वीरें देखिए। कभी इतना ज्यादा लेवल जो है प्रयागराज में देखने को नहीं मिला, लेकिन अब वहां पर बावजूद इसके देखिए कुछ ऐसे भक्त हैं जो बावजूद इसके अभी हालांकि प्रशासन ने मना किया हुआ है कि लोग वहां पर स्नान करने के लिए ना पहुंचे, लेकिन फिर भी सारी बातों को दरकिनार करते हुए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अरैल घाट ये डूबा हुआ आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आएगा। वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ चुका है। वाराणसी के 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। 60 से अधिक घाट डूब चुके हैं और बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। उधर गंगा के उफान के कारण बीते 1 महीने से ज्यादा समय से नाव का संचालन पूरी तरीके से बंद है जिससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। काशी में अगर आप जाएंगे तो किस तरीके से नदी किनारे हमने देखा है वहां पर हमेशा से नाव चलती रहती है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से ठप है। उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते 34 साल में सबसे भयंकर बाढ़ है। जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की चपेट में आकर 52 लोगों की मौत हो चुकी है तो वही लाखों लोग प्रभावित है जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे इस बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने है। बांग्लादेश की सभी प्रमुख नदियां उफान पर है। चटगांव और सिलहट डिवीजन में उफनती नदियों के बढ़ते पानी के कारण घर, सड़कें, खेत सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं जिसकी वजह से 5 लाख लोग ऊंची जगहों पर अब पनाह लिए हुए हैं। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करें तो वहां के मंजाकोट ब्लॉक में युवक नदी में बह गया। उसको खोजने के लिए बचाव अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए राजौरी की जहां पर एक शख्स जो है वो इस नदी में बह गया।
हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि उपंती नदी नालों के पास ना जाए, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। और ऐसे में ये शख्स जो है बह गया, जिसके बाद अब उसको ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम आप वहां पर देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम की तरफ से अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से किया जा रहा है।